कल देखो अपने 15 तक प्रीवियस पर पढ़े थे, उसके बाद में मैंने तुम्हारे को होमवर्क दिया था भाई 25 तक तुम करोगे। कुछ प्रीवियस पर है जो मैं और बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारे को कर ले किताब में दे रखे हैं, मैंने तुम्हारे को पेज नंबर भी बता दिए थे। अब देखो अगला जो है वो है कोण या कोणीय विस्थापन का, अगला जो है वो है कोण या कोणीय विस्थापन। देखो कोण या कोणीय विस्थापन का जो सूत्र होता है, कोण का सूत्र बता रखा है मैंने तुम्हारे को, कोण का सूत्र बताया मैंने तुम्हारे को चाप बटा त्रिज्या, कोण का सूत्र पढ़ाया अपने, चाप बटा त्रिज्या पढ़ा है। देखो चाप को भी ये भी लंबाई है और त्रिज्या भी क्या है बताओ लंबाई है, कहने का मतलब चाप को अगर मान लो मैं मीटर में ले रहा हूँ और त्रिज्या को भी किस में ले रहा हूँ बताओ मीटर में ले रहा हूँ, तो जो बताओ अपने पास बीमेंस्त्र चाप का आएगा क्या वही त्रिज्या का आएगा, क्या बताओ दोनों का एक ही आएगा, क्योंकि चाप के लिए भी तुम क्या करोगे बताओ एल क्या बताओगे बताओ एक बताओ भाई, चाप इसमें मापोगे मीटर में माप लो, सेंटीमीटर में माप लो, फुट में माप लो, इंच में माप लो, किलोमीटर में माप लो, तो बताओ चाप के लिए एल लगाएंगे तो लंबाई काम में आएगी, कोई पास चाप के लिए क्या काम में आएगी बताओ लंबाई काम में आएगी मतलब एल काम में आएगा, और अपन ने बताया था द्रव्यमान के लिए क्या काम में आता है बताओ एम काम में आता है, समय के लिए क्या काम में आता है बताओ टी काम में आता है। अब देखो चाप के लिए अपन ने बताया एल काम में आएगा, एल की घात एक आधी क्योंकि चाप की घात यहाँ एक, त्रिज्या के लिए भी यही आएगा बताओ, जब ऊपर जाएगा तो अपने पास एक में से एक जब बैठाएंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब इसका जो बीमेंद्र हो गया वो हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको कहते हैं बीमाहीन, जिसका बीमेंद्र कुछ नहीं होता उसको कहा जाता है बीमाहीन राशि। तो बताओ कोण या जो कोणीय विस्थापन है वो कौन सी राशि हुई बीमाहीन राशि। अब देखो इसमें एक चीज खासियत क्या है, कोण का जो मापन है मैंने बताया था दो पूरक मात्रक पढ़े थे अपने, सात मूल मात्रक पढ़े थे दो पूरक मात्रक पढ़े थे, दो पूरक मात्रकों में एक था अपने पास समकल कोण था पहला और दूसरा था ठोस कोण या घन कोण था। समकल कोण का मैंने तुम्हारे को जो मात्रक बताया था वो बताया था रेडियन, मतलब अपने अब कोण का जो मापन है वो रेडियन में करते, पहले डिग्री में करते थे, मैंने तुम्हारे को डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना भी सिखाया था। अब देखो तो यहाँ अपने पास जो कोण का जो ऐसा ही मात्रक है वो है रेडियन, आर ए डी है वो रेडियन है। ऐसे अगले में चलते हैं कोण में भी अनुपात साइन थीटा कोण थीटा टेन थीटा कोण थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, तो इसमें क्या होता है जैसे मान लो तुम साइन थीटा निकाल रहे हो तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, जैसे मान लो साइन थीटा हो गया लंब बटा क्या हो गया बताओ कर्ण हो गया, अब लंबी तो क्या है बताओ लंबाई तो है ही, लंबी भी तो कुछ लंबाई है, मान लो कर्ण के लिए लंब की लंबाई है 3 मीटर है, कर्ण की लंबाई है 5 मीटर है, तो बताओ ऊपर जो आएगा वही तो नीचे आएगा भाई, ऊपर भी तो एल की घात कितनी आ रही है बताओ एक आ रही है और नीचे भी एल की घात कितनी आ रही है बताओ एक आ रही है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा उसमें ऊपर भी लंबाई आती है नीचे भी लंबाई आती है, तो उसका जो बीमेंद्र आता है वो किया जाता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब ये भी क्या है बताओ बीमाहीन। ऐसा ही कोई मात्रक नहीं होगा भाई, ऐसा ही कोई मात्रक इनका नहीं होगा। आगे चलते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है कोण बटा समय, क्या करो सूत्रे कोण बटा समय, ऊपर तो किसका बीमेंद्र रखना है अपने को कोण का और नीचे किसका रखना है अपने को समय, ऊपर तो अपने को रखना है किसका कोण का रख दो और नीचे किसका रख दो समय का, देखो कोण का बताओ कोण का लिख लिया पर कोण का तो कुछ नहीं है नहीं, मतलब m0 n0 क्या बताओ b0 ये तो कोण के लिए लिख दिया मैंने, समय के लिए क्या लिखूंगा बताओ किसी का देख लगाऊंगा किसी का देख लगाऊंगा और m0 और क्या लगा दूंगा बताओ l0, इसको जब करोगे बताओ ये तो जीरो ही रहेगा,
ये भी जीरो ही रहेगा और आगे बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा तो ये हो गया m0 l0 k की घात कितना हो जाएगा बताओ माइनस का k हो जाएगा अब देखो कोण का मापन किसमें किया है तो रेडियन में तो कोण का जो एसआई मात्रक है वो तो आ गया रेडियन r रेडियन दिया समय का मात्रक आ गया सेकंड तो आ गया रेडियन पर सेकंड ये रेडियन पर सेकंड आ गया ऐसे ही गेम करते हैं अगला लिखा हुआ है मेरे पास है कोणीय त्वरण अगला लिखा हुआ है कोणीय त्वरण क्या है इसका कोणीय वेग बटा समय कोणीय वेग बटा समय लिखा हुआ है तो ऊपर तो कोणीय वेग का लगा दो कोणीय वेग का तो क्या लगा दिया बताओ कोणीय वेग का तो क्या हो गया m0 l0 t की घात बोलो माइनस का e ये तो कोणीय वेग का आ गया नीचे किसका आएगा समय का क्या आएगा t का वेग आएगा m0 लगा दो l0 लगा दो हल कर दो इसको ये आ गया m0 l0 t की घात जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पहले से एक माइनस है एक माइनस और हो जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा ये कितना हो गया बताओ माइनस का 2 अब कोणीय वेग का क्या बताया था अभी बताओ कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक बताया था रेडियन पर सेकंड इसका कोणीय वेग का कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड हो गया रेडियन पर सेकंड हो गया कोणीय वेग का नीचे समय और है तो सेकंड और आएगा अब सेकंड सेकंड से गुणा होकर क्या बन जाएगा बताओ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भाई इतनी बात क्लियर है क्या तुम्हारे को देखिए बताओ फटाफट से आज तुम्हारा होमवर्क ये है 50 तक करने हैं तुम्हारे को 50 तक विमेस्त्र बनाने हैं भाई 50 तक करने हैं अपने जो 11 में काम आएंगे वो 56 तक है 56 तक के 11 में काम आ जाएंगे भाई सूत्र एक बार किताब में देख लो कोई दिक्कत नहीं है तुम निकालना सीखो लो कि कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है इनमें जैसे मान लो अपने पास कल अपने कार्य या ऊर्जा का पढ़ा है देखो कार्य या ऊर्जा का एक ही होता है देखो ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा हो कोई सी भी ऊर्जा हो जैसे मान लो गतिज ऊर्जा तो तुम बोल रहे गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है बताओ k बराबर 1/2 mv स्क्वायर तो 1/2 जो गणितीय मान है सुनो ध्यान से जो गणितीय मान है और उसके अलावा जो नियतांक है जैसे पाई हो गया या और कोई नियतांक आ गया गणितीय मान हो या नियतांक हो उनका कोई भी विमेष्ट्र नहीं होता तो यहाँ जो k बराबर 1/2 mv स्क्वायर की घात में 1/2 का कोई विमेष्ट्र नहीं होगा यहाँ कैसे निकालोगे बताओ ऐसे भी निकाल सकते हैं m क्या है बताओ द्रव्यमान m की घात कितना आ गया बताओ 1 आ गया v क्या है बताओ वेग है v है वेग वेग का जानते हैं अपन क्या विकर्षण बताओ क्या होता है विस्थापन बटा समय विस्थापन बटा क्या होता है बताओ ये होता है विस्थापन के लिए भी सिद्धांत लगाते हैं एल की घात लगाते हैं समय के लिए भी सिद्धांत लगाते हैं टी की घात लगाते हैं लेकिन यहाँ वर्ग हो रखा है वर्ग हो रखा है तो तुम भी वर्ग कर दो बताओ अब वर्ग करोगे वर्ग का मतलब यहाँ ऐसे है अब तुम बोलो भाई एक का वर्ग सुन एक होता है देखो मेरी बात वर्ग का मतलब यहाँ क्या है ऐसे नहीं था वर्ग को अलग से लिख के बताता हूँ एक बार एल की घात एक ही था है टी की घात एक ही था है इसका वर्ग कर रहे वर्ग का मतलब इसको दो बार लिख दो कल वीडियो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा दो बार लिख दो बार लिख दिए इसको लिख दिए दो बार बताओ आधार समान गुणा में करते जुड़ जाएगी तो बताओ एल की घात एक और एल की घात एक कितना हो जाएगा एल की घात दो हो जाएगा टी की घात एक और टी की घात एक की घात कितना हो जाएगा दो हो जाएगा वर्क करना भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है मतलब कितना हो जाएगा एल की घात भी दो हो जाएगी भाई देखो 1/2 होगा तो होगा नहीं एम की बात करें तो एम द्रव्यमान है तो एम की घात एक आ गई फिर वेग की बात करें तो वेग का मैंने बता दिया विस्थापन बटा समय तो एल की घात एक और टी का एक आ गया मतलब वर्क करना है वर्क कर दिए कितना आ गया एल की घात दो आ गया नीचे टी का कितना आ गया बताओ दो आ जब टी की घात दो को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बताओ टी का कितनी हो जाएगी माइनस की दो हो जाएगी समझ रहे हो बात को ऐसे भी निकाल सकते हैं
आज 50 तक कंप्लीट करोगे ये होमवर्क है भाई तुम्हारा। अभी मैं आगे अगला टॉपिक ले रहा हूँ, आज 50 तक करोगे। देखो अगला जो टॉपिक है उसमें लिखा है विमाओं की समानता का नियम, समझो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। देखो विमाओं की समानता का नियम क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसको। एक बार समझो समानता का मतलब क्या है, यहाँ इधर ध्यान लगाओ। जैसे मान लो पहले मैं उदाहरण पे आता हूँ, पहले उदाहरण देखो। देखो नोट नंबर लिखा है एक, यहाँ लिखा हुआ है 1000 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, यहाँ लिखा है 1000 मीटर और यहाँ लिखा है 1 किलोमीटर। मैंने तुम्हारे को ऐसे बोला भाई 1000 मीटर में 1 किलोमीटर को जोड़ो, 1000 मीटर में उसको जोड़ो, बताओ 1 किलोमीटर को जोड़ो, तो तुम जोड़ कर सकते हो उसका 2 किलोमीटर कह दो आंसर है, या फिर 2000 मीटर कह दो। कैसे भाई, ये 1000 मीटर था और 1 किलोमीटर में भी कितने मीटर होते हैं बताओ, 1000 मीटर होते हैं, तो तुमने कितना बता दिया बताओ, 2000 मीटर हो गया, या फिर अगर किलोमीटर में कहे तो कितना हो गया बताओ, 2 किलोमीटर है ना। अब दूसरा क्वेश्चन में तुम्हारे को ये बोला भाई 2 केजी में 2 किलोग्राम में 5 मीटर को जोड़ो, तो अपन नहीं कर सकते जोड़ कैसे कर लिए थे भाई, ये भी लंबाई है देखो मीटर और किलोमीटर भी क्या है बताओ लंबाई है, तो बताओ लंबाई में लंबाई जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे देखो किलोग्राम तो द्रव्यमान है और ये क्या है बताओ मीटर है, तो बताओ द्रव्यमान में लंबाई अपने नहीं जोड़ सकते, तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला भाई समान में समान जोड़ सकते हैं, रिजल्ट क्या है बताओ समान में समान है जोड़ सकते हैं भाई, यहाँ लंबाई है तो यहाँ लंबाई है तो जुड़ जाएगी, अगर एक जगह लंबाई है एक जगह द्रव्यमान है तो नहीं जुड़ेगी, एक जगह समय है एक जगह द्रव्यमान है वो भी नहीं जुड़ेंगे, तो ये विमाओं की समानता का नियम है कि समान विमीय सूत्र में समान विमीय सूत्र को ही जोड़ा जा सकता है, समान विमीय सूत्र में समान विमीय सूत्र को जोड़ा जा सकता है और समान ही आंसर आएगा। कैसे, इसी उदाहरण से मैं तुम्हारे को बताता हूँ, एक बार समझो यहाँ 1000 लिखा हुआ है, मैं पूछू की 1000 का विमीय सूत्र बताओ, कुछ नहीं होता है 1000 का, कुछ नहीं होगा, गणितीय मान है, मीटर का बताओ, तुमने क्या बता दिया बताओ मीटर का M0 L1 और D0, बताओ विमीय सूत्र बताया नहीं बताया तुमने, इसका बताया मीटर का, हमें तुम किलोमीटर का बताओ, तो ये भी तो लंबाई है, तो बताओ किलोमीटर का भी क्या होगा M0 L1 और T0, लंबाई तो है लंबाई भी तो लेंगे। अब देखो बताओ मैंने बोला इस किलोमीटर का या इस मीटर का बताओ, तो तुम क्या बताओगे M0 L1 T0 और बीच में कितना एंगल लगाया है देखो, बराबर बताओ समझ आया क्या मैंने क्या समझाना था, समान समान होगा ये एल ही होगा, मतलब समान विमित्र में समान विमित्र जुड़ेंगे तो वही आंसर आएगा, ऐसे ही घटाने में भी वही बात है, घटाने में भी वही बात आएगी। कैसे, घटाने का उदाहरण बता देता हूँ मैं तुम्हारे को, जोड़ने का उदाहरण तो समझ आ गया होगा, घटाने का उदाहरण ऐसे है जैसे मान लो मैंने बोला कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में से 500 मीटर घटाओगे, 5 किलोमीटर में से 500 मीटर घटाना, तो बताओ तुम क्या बताओगे भाई 4500 मीटर बचेगा, या किलोमीटर में बताओगे तो 4.5 किलोमीटर बचेगा, देखो अब बताओ मैंने पूछा तुम्हारे को भाई यहाँ जो किलोमीटर है उसका विमीय सूत्र बताओ, तुमने क्या बताया M0 L1 T0, फिर किसका बताओ बीच में जो है माइनस का, किसका बताओ M0 L1 T0,
किसका बोला तभी कोई एम जीरो एल वन और टी जीरो। तो बताओ समान कैसे समान घटाते हैं तो समान ही आंसर आता है। तो बताओ क्या लिख सकते हैं एल माइनस एल बराबर टी क्या होता है बताओ एल। ये एल माइनस एल जीरो वाला नहीं है और एल प्लस एल टू एल वाला नहीं है, ये विनिमय सूत्र के केस में लिया है। बोलो इतनी बात क्लियर है एल प्लस एल बराबर एल और एल माइनस एल बराबर एल। इसका मतलब ये है कि समान विनिमय सूत्र में समान विनिमय सूत्र जोड़ेंगे तो वो ही आंसर आएगा, समान ही आएगा। समान विनिमय सूत्र में से समान विनिमय सूत्र घटाएंगे तो समान ही आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पहले पॉइंट का जो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जो है ना जोड़ घटाव और बराबर ये तीनों क्रियाएं कब होती है कब संभव है जब विनिमय सूत्र समान हो। कैसे, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि m1 l2 t - 2 इसमें ये जोड़ो m1 l0 और t1 जोड़ो तो नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये अलग राशि है, ये अलग भौतिक राशि है और ये अलग भौतिक राशि। जैसे अभी मैंने तुम्हारे को उदाहरण बताया था भाई द्रव्यमान में सभी जोड़ दो तो तुमने बोला भाई नहीं जोड़ेंगे, तो अब इसमें ये कैसे जोड़ दोगे क्योंकि ये भौतिक राशि अलग है और ये भौतिक राशि क्या है बताओ अलग है। जैसे मान लो और मैं आसान उदाहरण दूं, मैंने बता दिया लो बताओ ये किसको दर्शा रहा है, ये द्रव्यमान को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, द्रव्यमान को दर्शा रहा है। और ये बताओ किसको दर्शा रहा है बताओ समय को दर्शा रहा है, तो इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तो द्रव्यमान का विनिमय सूत्र है और ये किसका है समय। तो ये जो जोड़ की प्रक्रिया बताओ जोड़ की प्रक्रिया कब होगी जब अपने पास दोनों विनिमय सूत्र क्या होंगे समान। अब मैंने बोला भाई घट रहा होगा तो घटाने वाली क्रिया भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो द्रव्यमान है और ये क्या है समय, तो द्रव्यमान में से समय को अपने नहीं घटा सकते। तो घटाने वाली क्रिया भी तब संभव है बताओ जब दोनों का विनिमय सूत्र क्या होगा समान हो और एक बराबर वाला। मैंने बोला ये इसके बराबर है क्या, नहीं है बराबर। क्यों, क्योंकि बराबर वाला भी तब संभव है जब दोनों का विनिमय सूत्र क्या हो बताओ समान। बराबर का कब लगाएंगे बताओ, जब यहाँ क्या आएगा एम की घात जी का एक और टी का जी, अब लगा सकते हैं बराबर। तो कहने का मतलब है जोड़ वाली क्रिया घटाने वाली और बराबर वाली कब संभव है जब दोनों विनिमय सूत्र क्या हो बताओ समान। तो लिखा है केवल समान विमाओं के मध्य ही जोड़ घटाव व बराबर बराबर की लगा लो की क्रिया संभव है। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लिखा है गुणा व भाग की जो क्रिया है, गुणा व भाग क्रिया भाग की ओर लगा लो, गुणा व भाग की जो क्रिया है वो अलग अलग विमाओं के मध्य भी हो सकती है। इस लाइन का अर्थ क्या है समझो, जैसे मान लो पहले गुणा वाली पे आते हैं, देखो गुणा वाली पे आते हैं तो मैं एक जनरल सा उदाहरण देता हूँ। मैंने बोला द्रव्यमान का विनिमय सूत्र बताओ, तुमने बोला m1 l0 t2 गुणा, मैं गुणा करना चाह रहा हूँ इसको समय की समय के विनिमय सूत्र से। बोलो ये तो द्रव्यमान का विनिमय सूत्र है और ये किसका विनिमय सूत्र बताओ समय, गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है। कैसे, आधार समान है तो गुणा में करके जोड़ दोगे तुम, m की घात एक m की घात जीरो कितनी बढ़ जाएगी बताओ, m की घात एक बढ़ जाएगी, l की घात जीरो l की घात जीरो बताओ कितनी हो जाएगी, l की घात जीरो t की घात जीरो t की घात एक t की घात एक हो जाएगी। गुणा हो सकता है, गुणा हो सकता है, फिर कह रहा हूँ गुणा हो सकता है, भाग भी हो सकता है, गुणा हो सकता है, अलग अलग विमाओं के मध्य गुणा वाली क्रिया हो सकती है, भाग वाली क्रिया भी हो सकती है। कैसे, गुणा वाली को समझ आ गई, भाग वाली करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा द्रव्यमान का लिख दिया m1 l0 t0, नीचे समय लिख दिया है समय का विनिमय सूत्र m0 l0 t1, अब हो सकता है भाग, देखो जब ये जीरो पर जाएगा तो एक में से जीरो कटेगा तो एक ही आएगा,
जीरो में जीरो कटेगा तो जीरो ही आएगा, बताओ जीरो में से ये कटाएंगे तो बताओ ई का माइनस का एक आएगा नहीं आएगा। तो भाग वाली क्रिया और गुणा वाली क्रिया अलग अलग विमाओं के मध्य भी हो सकती है, अलग अलग विभिन्न सूत्रों के मध्य भी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया जोड़ घटाव बराबर की जो क्रिया है वो कब संभव होगी जब विभिन्न सूत्र क्या होगा बताओ समान। और उदाहरण देता हूँ, देखो गुणा वाली का इधर देखो ओम का नियम जानते हो, बी बराबर आई आर लिखते हैं। अब देखो आई तो क्या है यहाँ विद्युत धारा है, आर क्या है बताओ प्रतिरोध है, तो जैसे मान लो विद्युत धारा का मान है 2 एम्पियर, विद्युत धारा का मान उदाहरण के लिए ले लिया 2 एम्पियर ले लिया, प्रतिरोध का मान है 5 ओम। अब देखो एम्पियर ओम से गुणा हो गया, एम्पियर ओम से गुणा हो जाएगा और तुम्हारे को पता है विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है बताओ वोल्ट होता है, तो एक गुणा हो गया एम्पियर ओम से गुणा हो गया देखो वोल्ट दे दिया, मतलब 2 × 5 = 10 वोल्ट आ गया। गुणा वाली प्रक्रिया देखो ये अलग भौतिक राशि है विद्युत धारा और बताओ प्रतिरोध अलग भौतिक राशि है, गुणा तो संभव हो गया बताया मैंने, गुणा तो संभव हो जाएगा। ऐसे देखो और उदाहरण दिया मैंने, एम बराबर क्या लिखा हुआ है बताओ, एम ही लिखा हुआ है, एम द्रव्यमान है माना कि 5 किलोग्राम है द्रव्यमान, और ए क्या है बताओ ए अपने पास त्वरण है, त्वरण का जो मान ले लिया 10 ले लिया मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये तो द्रव्यमान है इसका मात्रक तो किलोग्राम है और त्वरण का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन गुणा हो सकता है और कल हमने पढ़ा था भाई बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये दोनों गुणा होकर क्या बना देंगे बताओ न्यूटन। तो कहने का मतलब गुणा में भाग वाली जो क्रिया है वो अलग अलग विमाओं के मध्य भी हो सकती है और जोड़ घटाव में बराबर की क्रिया तभी होगी जब विभिन्न सूत्र समान होगा। क्या इतनी बात क्लियर मानू क्या मैं? देखो आगे लिखा हुआ है ए बराबर बी सी प्लस बी बटा ई प्लस एफ और तक लिखा है बी माइनस एच लिखा हुआ है, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे उनको हल करना है वो चीज समझते हैं। अभी तक अपन ने ये तो देख लिया भाई जोड़ घटाव और बराबर की क्रिया तभी संभव है जब विभिन्न सूत्र समान होगा, भाग वाली और गुणा वाली प्रक्रिया तब भी हो सकती है जब अलग हो समान हो तब भी हो सकती है। अब देखो लिखा हुआ है a बराबर bc प्लस b बटा e प्लस f और तक लिखा है b माइनस a है, यहाँ नीचे क्या कर दिया सबको बराबर लिख दिया। पहली चीज समझो, टाइम कम बचाया कल एक्सप्लेन कर पाऊंगा उसको वैसे नहीं, लेकिन पहली चीज इतनी सी समझो, देखो यहाँ आते हैं अपन g पे और एक बार h पे आ जाओ सीधा है ना, मेरे को ये बताओ यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो अभी मैंने बताया था भाई घटाने वाला या जोड़ने वाला कब हो सकता है बताओ, जब g का विभिन्न सूत्र किसके बराबर हो h, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये चिन्ह लगा हुआ होगा बीच में माइनस का, इसका ये बता देगा अपने को, तो g को उसने बता दिया g दाब है, एक बार सोचो g को क्या बता दिया उसने भाई g दाब है, फिर h बताओ h भी दाब हो, मैं फिर कह रहा हूं जो g है वही h है, क्यों अगर सोचो h अलग हुआ तो बताओ उसको अपन दिखा नहीं सकते, तो इन ऐसे क्वेश्चनों में एक पता होगा दूसरा वही होगा जो पहला है, अगर सोचो g टाइम है g समय है तो h भी क्या होगा समय होगा, बाकी की बात हम क्लास में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है 50 विनिस्टर बनाओगे तुम आज का काम ये है तुम्हारा। ओके थैंक यू।